हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। टुडेज आवर टॉपिक इज क्लास 10th फिजिक्स लाइट। लाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्लास 10th फिजिक्स पोर्शन। देखो, लाइट एक बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है। ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक स्पेशल ब्रांच होता है और अभी आप 10th क्लास में उसके बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। आगे चल के आपको 10th क्लास का जो ये ऑप्टिक्स का पोर्शन है इसको आप 12th क्लास में पढ़ेंगे और ये फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। ऑप्टिक्स एक स्पेशल ब्रांच होता है। मैं सबसे पहले आपको एक कॉमन इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये फिजिक्स का कैसा ब्रांच है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं अपन, ये मैं पहले आपको बता दूँ। नाउ आवर टॉपिक इज लाइट। हमारे क्लास में ये लाइट के नाम से जाना जाएगा। लाइट दैट मीन्स ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का एक ब्रांच है वो। और एक बार मैं आपको पढ़ाने से पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं। ऑप्टिक्स में हम लाइट और लाइट के बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स के एक्चुअल में टू ब्रांच होते हैं। फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स। मैं आपको 12th क्लास को ध्यान में रख के इसका फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूँ कि आपको इन फ्यूचर जब इसको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो आपका एक बेसिक चीज स्टार्टिंग से क्लियर हो। रे ऑप्टिक्स इज फर्स्ट ब्रांच एंड सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के टू ब्रांच होते हैं। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी अबाउट लाइट, बिहेवियर ऑफ द लाइट। फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स। देखिए, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का आपको थोड़ा सा बता दूं, बाकी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के उस नेचर का स्टडी करते हैं जिसमें लाइट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। द पाथ ऑफ लाइट इज स्ट्रेट लाइन एंड इन द नेचर ऑफ वेव ऑप्टिक्स इट्स नेचर इज वेव लाइक दिस। इस तरह से मोशन करता है और इसमें हम स्ट्रेट लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10th क्लास में हमको जो ऑप्टिक्स पढ़ना है वो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ये हायर क्लास का मैटर है, आप आगे चल के उसको पढ़ेंगे, लेकिन मैंने भी इंट्रोडक्शन आपको दे दिया तो आपके दिमाग में पहले से बात रहे। यहाँ पर हम रे ऑप्टिक्स के बिहेवियर को, दैट मीन्स द नेचर ऑफ द ट्रेवलिंग पाथ ऑफ द लाइट इज स्ट्रेट लाइन, ये मान के चलेंगे और ये हम स्टडी करेंगे। ये होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को बेसिकली स्टार्टिंग में न्यूटन ने इसके कॉन्सेप्ट दिए। वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट देने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट हैं हाइगन। और बाद में मॉडर्न फिजिक्स में इसमें जो डिस्प्यूट रहा कि कुछ साइंटिस्ट लोग लाइट को, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक साइंटिस्ट कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, कहता है वेव, तो फिर सही क्या है। तो आगे चल के इसका ड्यूअल नेचर आप पढ़ेंगे। बाद में जब ऑप्टिक्स का मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन, डी ब्रोगली, ब्रेक्स, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब इस पर स्टडी किया तो हाइगन ने अपने वेव थ्योरी को जो बताया था और न्यूटन ने जो स्ट्रेट लाइन का थ्योरी बताया था, ये बाद में मिक्सअप होने के बाद ड्यूअल नेचर उसका आया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टडी किया जिस साइंटिस्ट हैं वो है मैक्स प्लांक। और मैक्स प्लांक ने बाद में उसके कॉमन नेचर को रिप्रेजेंट किया। ये मॉडर्न फिजिक्स में आप आगे पढ़ेंगे, ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाने से पहले दे दिया। नाउ वी स्टार्ट द ब्रांच ऑफ रे ऑप्टिक्स इन दिस क्लास, दैट इज लाइट। देखिए, अब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पर हम लाइट के जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इसके थ्री बिहेवियर्स पढ़ेंगे जो रे ऑप्टिक्स का ब्रांच है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन। एक बार आपको मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दूं, रिफ्लेक्शन। सेकंड इज रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। ये किस तरह का बिहेवियर है? रिफ्लेक्शन में हम लाइट के रिफ्लेक्शन नेचर को, रिफ्लेक्ट होने को पढ़ते हैं, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसके बाद, और लास्ट में पढ़ेंगे अपन डिस्पर्सन, मतलब सेवन कलर्स ऑफ द लाइट। लाइट में जो सेवन कलर्स होते हैं जो प्रिज्म से अपन फाइंड करते हैं वो, तो थ्री पार्ट हैं। और ये हम थ्री पार्ट जो कलरफुल वर्ड के नाम से आपके चैप्टर में जाना जाएगा,
ये थ्री पार्ट को हम अपने थ्री सेशन में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपका जो लाइट का पोर्शन है टेंथ क्लास का, वो हमारे थ्री वीडियो में आपको प्रोवाइड किया गया है। एक एक पार्ट को आप देखिए, वन बाय वन वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आज का मेरा सेशन कंप्लीटली फोकस्ड है किस पर? रिफ्लेक्शन पर। क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। तो आज हमारा कंप्लीट जो टॉपिक होगा वो है ओनली रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? पहले तो हम लाइट का डेफिनेशन बता दें आपको, डेफिनेशन ऑफ द लाइट, कि लाइट एक्चुअल में है क्या। लाइट एक्चुअली, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस वी प्रोड्यूसेस अस सेंसेशन ऑफ द साइट। ये इसका सटीक डेफिनेशन है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड की तरह लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यह क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, लेकिन किस तरह का फॉर्म है? विच प्रोड्यूसेस अस, जो हमको प्रोड्यूस कराता है। क्या प्रोड्यूस कराता है? सेंसेशन ऑफ द साइट, मतलब हम किसी भी चीज़ को जो देख सकते हैं, देख सकने की हमारा जो क्षमता होती है वो लाइट के कारण हो पाता है। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं सब इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ, वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ लाइट है। आप इमेजिन करिए, यदि यहाँ पर लाइट को हम यहाँ से रिमूव कर दें, यहाँ हम डार्क कर दें, तो हमको कोई चीज़ नहीं दिखेगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमको दिख रहा है वो किसके कारण दिख पा रहा है? लाइट के कारण दिख पा रहा है। और विच इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का क्या है? फॉर्म है। क्लियर? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अस सेंसेशन ऑफ द लाइट। ये जो एनर्जी है एक्चुअल में फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं। मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि आप हायर क्लास में जाके वो किस तरह के पार्टिकल्स हैं, कैसा एनर्जी पार्टिकल्स है, सन से हमारे तक पहुंचता है तो किस फॉर्म पहुंचता है, ये सब हायर क्लास की स्टडी के मैटर है। आप इस क्लास में आपको इतना जानना है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप ये भी जान लीजिए विच इज फोटॉन पार्टिकल्स। लाइट में जो एनर्जी का पार्टिकल्स होता है उसको फोटॉन पार्टिकल्स कहते हैं। क्लियर? ये लाइट है। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? देखिए, हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो देख पा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन के कारण देख पा रहे हैं। आप मुझे क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लाइट का जो रिसोर्स है, यहाँ पर जो लाइट के रिसोर्स हैं, वो लाइट मेरे बॉडी पर इंसिडेंट हो रहा है और मेरा बॉडी क्या कर रहा है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट आपके आई के थ्रू आप उसको देख पा रहे हैं। दैट मीन्स बिना रिफ्लेक्शन के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आफ्टर इंसिडेंट बाउंसिंग बैक, जैसे लाइट क्या हुआ, किसी सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, आके टकराया और टकराने के बाद बाउंसिंग हो गया इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन होता है और ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज रेगुलर, सेकंड इज इरेगुलर। इरेगुलर और रेगुलर टू टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक फिगर बना के आपको बताता हूँ। सपोज ये कोई शाइनिंग सरफेस है इस तरह से, और यहाँ पर हमने लाइट इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट किया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ये हमने लाइट इंसिडेंट किया, ये इस डायरेक्शन में, ये लाइट इंसिडेंट किया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइट क्या है, एक सर्टेन डायरेक्शन के आके एक सर्टेन डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए सबके रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये क्या कहलाता है, रेगुलर। और इरेगुलर में क्या होता है, सपोज इस तरह से हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस ना होके कोई कर्व या जिग जैग सरफेस है, इस तरह से पॉलिश सरफेस है। अब यहाँ पर मैं लाइट इंसिडेंट किया, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ मैंने लाइट इंसिडेंट किया, दोनों तो पैरेलल हैं, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर चला गया। फिर मैं लाइट इंसिडेंट किया, सपोज ये इधर चला गया। इस तरह से आप देखेंगे इरेगुलर है,
मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इनके जो डायरेक्शन है क्या है वो डिफरेंट है। इस फिगर में देखिए सबके डायरेक्शन सेम है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है और इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है। इस तरह से रिफ्लेक्शन के टू टाइप्स होते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन जब होता है किसी सरफेस से तो मिरर, थोड़ा हम बात करते हैं मिरर पर। मिरर ये मिरर ही हमारा इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमको ओवरऑल पूरे चैप्टर में मिरर ही पढ़ना है। तो हम एक बार इसका डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन को पढ़ लें। व्हाट इज मिरर? देखिए अभी मैंने बताया कि हर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फिर मिरर ऐसा क्या स्पेशल चीज़ है, उसमें क्या स्पेशलिटी है कि हम अपने बॉडी को मिरर नहीं कह सकते, लेकिन मिरर हमको पता है कि वो भी रिफ्लेक्ट करता है, हमारा बॉडी भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन हमारा बॉडी मिरर नहीं है और वो शाइनिंग सरफेस मिरर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मिरर को यदि हम एक बहुत इजी लैंग्वेज में बोलें, विच रिफ्लेक्ट नियर अबाउट 100% लाइट। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आइडियल कंडीशन में, इमेजिनरी कंडीशन में ऐसा मान के चलते हैं कि मिरर एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा शाइनिंग सरफेस है विच रिफ्लेक्ट 100% लाइट। मतलब मिरर में यदि हम लाइट इंसिडेंट करें तो 100% लाइट को क्या कर देता है? वो रिफ्लेक्ट कर देता है। हमारा बॉडी 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, उसमें से बहुत से पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत से पोर्शन को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। बट मिरर इज ए सरफेस विच रिफ्लेक्ट 100% लाइट। क्लियर। तो लाइट को 100% रिफ्लेक्ट करने वाला जो हमारे पास सिस्टम है या पॉलिश सरफेस है वो क्या कहलाता है? मिरर कहलाता है। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर। हमारे पास टू टाइप्स के मिरर होता है। फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। इस तरह से प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के मिरर हैं। प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? प्लेन हो। क्लियर। जो अपने घर में हम अपने चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। एंड स्फेरिकल मिरर मतलब क्या होता है? जिसका जो सरफेस है इस तरह से स्फेरिकल हो। आगे अपन इसको सेपरेट पढ़ेंगे, अभी आपको मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। आफ्टर इंट्रोडक्शन हम प्लेन मिरर को अलग से पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर को अलग से पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया? मिरर ये लाइटिंग शाइनिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट नियर अबाउट 100% लाइट। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेन मिरर एंड आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर। क्लियर। नाउ आवर टॉपिक इज प्लेन मिरर। यही लिख दूं मैं, प्लेन मिरर। अभी मैंने बताया प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? जिसका पॉलिश सरफेस क्या हो? प्लेन हो। तो यहां पर हम देखिए एक प्लेन मिरर बनाते हैं। ये सपोज एक प्लेन मिरर है और ये इसका पॉलिश सरफेस है। इसमें रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है देखिए। यहाँ पर हमने ये एक लाइट इंसिडेंट किया, इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो आके टकराता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रा किया। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइट है। और यहाँ से ये जो लाइट मैं बता रहा हूँ ये है रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। इस तरह से सिचुएशन होता है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। और यहाँ जो एंगल बनता है ये, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है ना, रिफ्लेक्शन। दोनों के प्रोनाउंसिएशन को आप ध्यान दें, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रेक्ट, बाद में पढ़ेंगे उसको। दिस इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे।
द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर? इसके लिए फिर कुछ रूल्स बने। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टू रूल्स हैं। फर्स्ट इज द इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा सब एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं कि ये अलग प्लेन में हो, अलग प्लेन में हो, या अलग प्लेन में हो। दैट मीन्स तीनों क्या होंगे, एक ही सरफेस में होंगे, एक ही प्लेन। दिस इज फर्स्ट रूल। एंड सेकेंड रूल इज I is always equal to R. That means the angle of incidence is always equal to angle of reflection. जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो I is always equal to R. I हमेशा R के इक्वल होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैं केस बताऊँ, ये लॉ तो नहीं है लेकिन एक स्पेशल केस आप ध्यान में रखेंगे इस स्पेशल केस को, वो ये है If I equal to 0, then R is also 0, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत जगह आपको काम आएगा ये। ये सपोज एक पॉली सरफेस है, यहाँ पर हमने एक रे इंसिडेंट किया ये, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स यदि हम इस रे को परपेंडिकुलर कर दें तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल के डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है। देन इन दैट टाइम आर इज ऑल्सो 0। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ था उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि किसी सरफेस में लाइट को परपेंडिकुलर इंसिडेंट किया जाए तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट हो जाता है। आप घर में एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आप एक टॉर्च लीजिए, एक मिरर लीजिए, आप उसको तिरछा इंसिडेंट करेंगे तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उसका फोकस आपको तिरछा जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, आप घर में सर्च कर सकते हैं। लेकिन सपोज ये मेरा हथेली मान लो मिरर है और यहाँ मैंने टॉर्च को परपेंडिकुलर इंसिडेंट किया तो उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा आपको दिखता नहीं, क्योंकि जो इंसिडेंट रहे उसी के साथ वो बाहर आ जाता है। क्लियर? तो इफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज नॉर्मल ऑन द सर्फेस ऑफ मिरर, देन द रिफ्लेक्टेड रे इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। क्लियर? तो आई आर के क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इमेज के बारे में। देखिए, कोई भी मिरर क्या बनाता है, इमेज बनाता है। तो इमेज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, अदरवाइज मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट पूरा लाइट का चैप्टर पढ़ लेते हैं, इवन हायर क्लास में, इवन ट्वेल्थ क्लास में पूरा लाइट पढ़ लेते हैं, कभी हमसे पूछ देते हैं कि व्हाट इज इमेज, नो आंसर। इमेज इमेज रियल इमेज ये इमेज जो इमेज दुनिया भर इमेज इमेज करते रहेंगे, लेकिन किसी दिन हम उनसे पूछ दें व्हाट इज इमेज तो साइलेंट हो जाते हैं। ये गलत है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कमांड करना है तो उसका फर्स्ट की पॉइंट है कमांड ओवर टेक्निकल लैंग्वेज, दैट इज टर्मिनोलॉजी। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा कमांड करना है तो आपको उसकी टर्मिनोलॉजी पर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले कि इमेज क्या है, व्हाट इज इमेज। तो इमेज का मतलब क्या होता है, देखिए इमेज रिफ्लेक्शन के बाद भी बनता है, रिफ्रेक्शन के बाद भी बनता है। रिफ्लेक्शन हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन वहाँ पर भी बताएंगे, आज मैं यहाँ पर इमेज का कंसेप्ट कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे कभी भी इमेज पर बात हो तो उस बात को आप अच्छे समझ जाएं। तो इमेज का मतलब क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन आर आफ्टर रिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रेक्शन के बाद। इफ टू आर मोर देन टू रेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट देन दैट पॉइंट इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बहुत सटीक डेफिनेशन है, एक बार रिपीट करता हूँ आप ध्यान से समझिए। एक बार मैं आपको सीधा हिंदी में बता दूँ कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन के बाद टू आर मोर देन, दो या दो से अधिक रेज किसी पॉइंट पर एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहलाता है। यहाँ पर भी टू कंडीशन होते हैं, कभी कभी वो
इंटरसेप्ट करते हैं और कभी कभी उनको इंटरसेप्ट कराना पड़ता है। दैट मीन्स इंटरसेप्ट करते हुए लगते हैं, इंटरसेप्ट करते हुए लगते हैं। तो जब वो रियल में इंटरसेप्ट करते हैं तो रियल इमेज कहलाता है, और जब वो इंटरसेप्ट करते हुए लगते हैं तो क्या कहलाता है, वर्चुअल इमेज कहलाता है। आगे मैं उसको और आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मैंने इसका डेफिनेशन बताया आपको, इसके बाद टाइप्स, ये टू टाइप्स का होता है, रियल इमेज एंड सेकंड इज वर्चुअल इमेज। टू टाइप्स की इमेज होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज का क्या खासियत होता है, देखिए रियल इमेज का सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि रियल इमेज हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, जो इन्वर्टेड हो वो क्या होगा, रियल इमेज होगा, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। जो इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा, तो जो सीधा बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो ये पहचानने का आपको तरीका है कि कोई भी इमेज यदि उल्टा बना हुआ है तो कैसा इमेज बना है, वो रियल। और रियल इमेज कब बनता है, जब टू आर मोर देन टू रेज रियल में इंटरसेक्ट करते हैं तब इमेज। देखिए यदि आपको इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सबसे पहले बहुत ध्यान से इमेज के कॉन्सेप्ट को समझिए। तो जब लाइट रेज क्या होते हैं, रियल में इंटरसेप्ट करते हैं तो रियल इमेज बनता है, और उस टाइम में जो इमेज है वो उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। और जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रियल में इंटरसेप्ट नहीं करते, उनको पीछे बढ़ाने पर इंटरसेप्ट करते हुए लगेंगे, आगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब वो वर्चुअल इमेज होता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसमें यह है कि इन्वर्टेड इमेज को हम किसी स्क्रीन पर, स्क्रीन पर मतलब पर्दे पर, उसको हम पा सकते हैं, मतलब पर्दे पर उसको प्रिंट कर सकते हैं, क्लियर, स्क्रीन पर हम देख सकते हैं किसको, रियल इमेज को। लेकिन वर्चुअल इमेज होता है उसको हम स्क्रीन पर फाइंड नहीं कर सकते। जैसे हम थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं तो थिएटर में स्क्रीन पर जो फिल्म बनता है उसको हम स्क्रीन पर देखते हैं, दैट मीन्स वो इमेज कैसा होता है, रियल होता है। अब अभी आप सोच रहे होंगे सर आप तो उसको उल्टा बता रहे हैं, लेकिन हम लोग को सीधा देखते हैं। वो लेंस से प्रोसेसिंग होने के बाद, जहाँ प्रोजेक्टर होता है वहाँ प्रोसेसिंग होने के बाद उसको सीधा करके, एक्चुअल में वहाँ से उल्टा होता है वो सीधा करके दिखता है, क्लियर। तो ये रियल इमेज। अब यहाँ पर हम ये बात करें कि जो हम प्लेन मिरर की बात कर रहे थे, तो प्लेन मिरर किस तरह का इमेज बनाता है, आप सोचिए। प्लेन मिरर, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, जब मिरर के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा इमेज उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, नेचुरली सीधा बनता है, क्योंकि हमारा सिर ऊपर पैर होता है, तो मिरर में भी सिर ऊपर पैर नीचे होता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स लोग के दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे मालूम है, क्या कि सर हम मिरर के सामने राइट हैंड को मूव करते हैं तो हमारा जो इमेज होता है अपने लेफ्ट हैंड को मूव करता है। इसमें कई स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्यों हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, सर वो तो उल्टा है राइट का लेफ्ट, ऐसा नहीं है। वो जो नेचर है मिरर का, उसको हम उसका लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। लेटरल इन्वर्सन इज द नेचर ऑफ प्लेन मिरर, क्लियर। लेटरल इन्वर्सन एक अलग चीज़ है, इस टर्म को भी आप समझ लीजिए। देखिए आप एक एक करके टर्मिनोलॉजी को समझते जाइए तो आपको सब क्लियर होगा। लेटरल इन्वर्सन क्या होता है कि जैसे मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हो गया और अपने राइट हैंड को मूव किया तो मेरा जो इमेज बना है अपने लेफ्ट हैंड को मूव करता हुआ लगता है, वो लेटरल इन्वर्सन कहलाता है। एक्चुअल में वो क्यों होता है कि इधर से जो रेस है इधर चले जाते हैं, इधर के रेस इधर चले जाते हैं, और इस तरह से इमेज बनता है। मैं आपको रे डायग्राम बना के बताऊंगा। तो ये मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताया और इमेज फॉर्मेशन, ये दोनों पॉइंट आप कभी नहीं भूलेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर किस तरह से इमेज बनाता है देखिए, और उसके किस तरह से बिहेवियर होता है। प्लेन मिरर के जो डीप कॉन्सेप्ट हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से समझिए, यही बेस है। इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इमेज फॉर्मेशन देखिए, ये सपोज
एक प्लेन मिरर है, ये हमने एक प्लेन मिरर बनाया और यहाँ पर हम इसके सामने एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ए बी एक ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या किया, यहाँ से टू रेज इंसिडेंट किया, ये रे हमने इधर इंसिडेंट किया, क्लियर, और यहाँ से ए रे यहाँ पर हमने इंसिडेंट किया, टू रेज यहाँ से इंसिडेंट किए। अब ये रे क्या हो गए, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया और अभी आपको मैं समझाता हूँ इसको, पॉइंट एक मिनट है ना, हम यहाँ से इंसिडेंट किए, केवल हेड का बनाते हैं फिगर अपन, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये मैं एक इमेज यहाँ पर बनाया हुआ हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे कैसे इमेज बनता है। देखिए ये जो बी से, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया बी बी डैश, ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो पॉइंट है वहाँ से हमने टू रेज, क्योंकि मैंने इमेज के डेफिनेशन में बताया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ मिनिमम टू आर मोर देन टू रेज, तो इमेज बनाने के लिए कम से कम टू रेज चाहिए, मिनिमम टू रेज तो चाहिए क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए टू रेज तो चाहिए और अधिक से अधिक इनफाइनाइट, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिकली किसी इमेज को बनाते हैं तो इनफाइनाइट रेज अपन रिप्रेजेंट नहीं करते, टू रेज रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए तो एक रेज इंसिडेंट हुआ ए ए में बी बी रेज और दूसरा किया सपोज हमने बी सी, तो बी बी रेज एक रेज इंसिडेंट किया, एक बी सी किया। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चला गया और सी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके ये इस डायरेक्शन में चला गया। अब आज इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये दोनों फिगर क्या होते हैं, दूर होते जा रहे हैं, दोनों रेज क्या होते हैं, दूर होते जा रहे हैं। अब ये इनफाइनाइट तक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो जब ये आगे इंटरसेक्ट नहीं करते तो इनको क्या करते हैं, हम पीछे बढ़ाते हैं। तो जब हमने इसको पीछे बढ़ाया, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है वो इमेजिनरी कंडीशन है, पीछे बढ़ाया तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं और ये ए डैश बी डैश, इसका नाम यहाँ डबल हो जा रहा था, इसको मैं सी कह दिया, सपोज इसको मैं डी कह दिया, तो ए बी जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बन गया क्या, ए डैश बी डैश। अब इमेज का नेचर आप देखिए, इमेज कैसा है, सीधा है, क्लियर, दैट मीन्स क्या है, ये इरेक्ट है, इरेक्ट है इसलिए क्या है, वर्चुअल है। तो प्लेन मिरर इस तरह से बनाता है इमेज, जैसे हम प्लेन मिरर के सामने ऐसा खड़े होते हैं तो हमारा इमेज मिरर के बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे इस तरह से उसका इमेज बनता है, ठीक है, ये इसका इमेज का कंडीशन है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं क्लियर करते जाता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होता है यहाँ से, ये सपोज ए सी का डिस्टेंस सपोज डी है तो सी ए डैश का डिस्टेंस भी डी होगा। ये मैं प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए और लर्न करिए। दैट मीन्स क्या बता रहा हूँ मैं, कि सपोज मैं मिरर के सामने 3 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा हूँ तो मेरा इमेज मिरर के बिहाइंड मिरर के पीछे 3 मीटर डिस्टेंस पर ही बनेगा, क्लियर। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर बिहाइंड मिरर, ये एक फैक्ट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट सपोज इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मोशन करना स्टार्ट कर दे, कई बार कंप्यूटर एग्जाम इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज मैं आगे मिरर की तरफ मैं आगे दौड़ रहा हूँ वी वेलोसिटी से, तो इमेज भी इधर से मिरर की तरफ वी वेलोसिटी से मूव करता है। लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन दो तरीके से आता है, आप ध्यान देंगे, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स मिरर इज वी, देन वेलोसिटी ऑफ इमेज इज आल्सो वी वेलोसिटी टूवर्ड्स मिरर, बट क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ दे, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वी टूवर्ड्स मिरर, अब ध्यान देंगे मेरे सेंटेंस को, देन द वेलोसिटी ऑफ इमेज टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट नॉट टूवर्ड्स मिरर इज 2v। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है, वो कैसे हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में आने से दोनों क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। सपोज एक आदमी मिरर के तरफ 10
10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो जब उसका इमेज है 10 से मोशन करेगा, लेकिन आदमी की तरफ 20 से करेगा। तो क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे, कभी भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो टूवर्ड्स मिरर बोले तो सेम स्पीड, और टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट बोले तो डबल स्पीड हो जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज नंबर ऑफ इमेज। इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। देखो क्या है, मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट प्लेन मिरर को बहुत लाइटली लेते हैं। उन लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर बस ऐसी है कि ये प्लेन मिरर इंसिडेंट होता है, ऐसी इमेज बनता है। यार प्लेन मिरर में बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इवन टीचर्स आल्सो वो क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर पर ज़्यादा फोकस्ड होकर बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्लेन मिरर से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, प्लेन मिरर से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, आपको उसको समझना है। तो नंबर ऑफ इमेज मतलब नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू मिरर, ठीक है, यहां पर मैं बता रहा हूं, बिटवीन टू मिरर। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान समझना, मतलब सपोज हमारे पास टू मिरर हैं और दोनों मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है। यहां पर मैं एक इमेज बना देता हूं उसके लिए। ये सपोज एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, और दोनों एक दूसरा से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, और इनके बीच में यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज ए बी ऑब्जेक्ट है, सिचुएशन समझ में आ गया आपको। ये वी हैव टू मिरर इंक्लाइंड थीटा एंगल टू ईच अदर एंड ए बी एज ए ऑब्जेक्ट बिटवीन देम, देम नंबर ऑफ इमेज। तो इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा, इसके लिए दो फार्मूला है। फर्स्ट इज एन इक्वल टू 360 अपॉन थीटा इज सपोज आर्ड, यदि ये वैल्यू क्या आ जाए, आर्ड आ जाए, इसको डिवाइड करने से कितना आ जाए, आर्ड आए तो, आर्ड नंबर आए तो, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को 360 में डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो नंबर ऑफ इमेज है, उतने इमेज वो बनाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, 360 में उस एंगल को डिवाइड करने से क्या आ जाए, आर्ड नंबर आ जाए। एंड सेकंड फार्मूला इज एन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा, सपोज ये क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तब हम इसमें क्या करते हैं, माइनस वन करते हैं। दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, नंबर ऑफ इमेज मेड बाय टू मिरर इज ऑलवेज आर्ड नंबर, क्योंकि देखियो ये इवन आया, इवन में वन माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो आर्ड बन जाएगा। क्लियर? इस तरह से जो नंबर ऑफ इमेज होता है वो इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन जैसे हम बहुत तरह के NTSC KVPY या बहुत तरह किस तरह के कॉम्पिटिटिव IIT JEE के लिए, तो खैर बहुत उस तरह के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत से जो हम क्वेश्चन जनरल साइंस पर बेस्ड भी क्वेश्चन देते हैं, या बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन फ्यूचर में हम ग्रेजुएशन के बाद UPSC वगैरह के एग्जाम में बैठते हैं, तो इस तरह के जनरल साइंस के क्वेश्चन हमको बहुत परेशान करते हैं। अभी आप अर्लियर एज में हैं, लेकिन बाद में आपको जब पता चलेगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होते हैं, तो एक हमारे पास जनरल नॉलेज का एक पेपर होता है, तो जनरल नॉलेज के पेपर में जो साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, वो मान के चलिए आप 9th-10th क्लास में हम जो जनरल साइंस पढ़े रहते हैं उस पर बेस्ड होता है, लेकिन आगे हम हायर क्वालिफाइड होने के बाद भी इन बेसिक चीज़ों को भूल चुके रहते हैं। मेरा बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है, मेरे पास बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं जो हायर क्वालिफाइड हैं, बस आज के डेट में सिविल सर्विस वगैरह एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC का तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर थोड़ा फिजिक्स पढ़ा दीजिए, 9th-10th लेवल का फिजिक्स पढ़ा दीजिए। मुझे अजीब लगता है, भाई आप इतना क्वालिफाइड होने के बाद, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जब हम उस क्लास में होते हैं तो कॉन्सेप्ट पर उतना अपन चर्चा नहीं करते, अपन सुपरफिशियल स्टडी करते हैं, या बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आएगा, हम क्या मार्क्स ओरिएंटेड होते हैं, नॉलेज ओरिएंटेड नहीं होते। तो फ्रॉम वेरी बिगनिंग अर्लियर एज से ही मेरा आपको सजेशन है कि इन फ्यूचर यदि आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तो इस तरह के बेसिक साइंस को आप स्ट्रांग करिए। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इमेज। इन चीज़ों को आप ये समझ के मत पढ़िए कि मैं 10th के सिलेबस के लिए पढ़ रहा हूँ, इसको फॉर एवर, एक जनरल साइंस है वो। तो टू टाइप्स के नंबर ऑफ इमेज मैंने बताया। यहाँ पर मैं एक स्पेशल केस आपको बता दूँ, इसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसलिए मुझे याद आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सपोज टू मिरर हैं, प्लेन मिरर, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप फिगर में देखिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनके बीच में मैंने रखा है सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट ए बी,
तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज ये पूछा गया है। इफ ए ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर देन द नंबर ऑफ इमेज इज, तो नंबर ऑफ इमेज के लिए फार्मूला अपन लगाएंगे क्या, एन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। बताए यहाँ थीटा कितना है, एंगल बिटवीन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मिरर, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन मिरर कितना है, जीरो, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल है। तो 360 अपॉन जीरो कर दूँ तो क्या मिल जाएगा आंसर, इन्फिनिटी। क्लियर, दैट मीन्स क्या हुआ ये नंबर ऑफ इमेज इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन मुझे याद है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। दो क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, एक तो ये स्पीड वाला और दूसरा ये कि यदि दो प्लेन मिरर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनाएगा, इन्फिनिटी। आपके दिमाग में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ तो दो इमेज बनेंगे और इमेज तो दिखते नहीं अपने को, एक्चुअल में जो इमेज है वो एक दूसरे को क्या करते जाते हैं, ओवरलैप करते जाते हैं, इमेज के ऊपर इमेज, इमेज के ऊपर इमेज, इमेज के ऊपर ऊपर इतने सारे इमेज बन जाते हैं कि हमको देखने से लगता है कि आगे पीछे दो इमेज हैं, लेकिन इमेज के ओवरलैपिंग है वहाँ पर, इनफाइनाइट टाइम्स वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके कारण एक के ऊपर एक के ऊपर एक सेम इमेज बनने का हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ इमेज इज इन्फिनिटी। क्लियर, ये मैंने आपको प्लेन मिरर बहुत डेप्थ में पढ़ाया, आप उसको ध्यान से समझे होंगे, इसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर स्फेरिकल मिरर, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कैसे किसको कहेंगे, नाम से क्लियर है, जिसका सरफेस क्या हो स्फेरिकल हो। क्लियर, स्फेरिकल मिरर के टू टाइप्स होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो अपन देखें सबसे पहले कि स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं। सपोज अपने पास इस तरह से एक हॉलो स्फेयर है, ये इमेजिन करो कि एक ग्लास का या किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक हॉलो स्फेयर है। अब हमने क्या किया, इस हॉलो स्फेयर को, ये इसका सेंटर है, यहाँ से कटिंग कर लिया ये वाला पोर्शन, और ये वाले पोर्शन को हम यहाँ से निकाल के, अब इतने पोर्शन को आप इमेजिन करिए, इसको निकाल के ये वाला पोर्शन हमको मिला, दोनों हम उसको बना देते हैं। देखिए ये पोर्शन निकाल के ये, और एक और ले बना लिया हमने ऐसा, ये दो पोर्शन हमने ये वाला पोर्शन को निकाला। अब सपोज हमने क्या किया, इसका आप देखिए ये जो इसका सेंटर वाला पोजीशन इधर, इसका सेंटर इधर है, इसका सेंटर इधर है, तो हमने इसके सेंटर के अपोजिट वाले पोर्शन को पॉलिश कर दिया, ये हमने इसको पॉलिश कर दिया, अपोजिट सरफेस ऑफ द सेंटर। और यहां पर हमने क्या कर दिया, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, सेंटर के तरफ के डायरेक्शन को पॉलिश कर दिया। ऐसा करने से ये जो शाइनिंग वाला सरफेस है वो सेंटर के तरफ है, और इसका जो शाइनिंग वाला सरफेस है वो सेंटर के बाहर है। तो इफ द शाइनिंग सरफेस इज टूवर्ड्स सेंटर देन दैट टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर कहलाता है। क्लियर, और सपोज इसका जो शाइनिंग, आप ध्यान देंगे रेड इंक से जो मैं बनाया है वो पॉलिश सरफेस है, आपने देखा होगा मिरर का पॉलिश सरफेस रेड इंक का ही, रेड कलर का ही पॉलिश होता है, और यहां पर क्या होगा शाइनिंग सरफेस का अपोजिट है, तो इस तरह के हम मिरर को क्या कर देंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। तो ये टू टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जो स्फेरिकल मिरर के टाइप्स है। अब यहाँ पर हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी पर बात करें, तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये मैंने बताया, इसके टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान देंगे, ये वाला जो पॉइंट है वो सेंटर है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सी है यहीं पर लिखता हूँ मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो पॉइंट होता है ये पी, इसको हम कहते हैं पोल, ये इसका पोल है। क्लियर,
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं एफ, और इस एफ पॉइंट को बोलते हैं फोकस, फोकस ऑफ द मिरर। सेम यहां पर भी होगा, सेम कंडीशन यहां पर भी होगा, सी है, ये पी है, ये एफ होगा, क्लियर। अब यहां पर देखो जो डिस्टेंस हम यहां पर जो डिस्टेंस हम लिखते हैं पी टू सी, पी सी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, पी सी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पी एफ इज फोकस, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो सी पी लाइन होता है या पी सी लाइन, इसको बोला जाता है एक्सिस, एक्सिस ऑफ द मिरर। ए लाइन पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द मिरर, और सेम टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि ये जो डायमीटर होता है इस एंड और इस एंड के बीच का ये जो डायमीटर होता है, इसको सपोज मैंने कह दिया एम एम डैश, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, आप ध्यान रखेंगे कि एम एम डैश, एम एम डैश इज अपर्चर, अपर्चर ऑफ द, अपर्चर बोला जाता है अपर्चर ऑफ द मिरर, ये एम एम डैश, इसको ध्यान रखेंगे, अपर्चर ऑफ द मिरर मतलब ये जो कर्व सरफेस होता है उसका आप डायमीटर कह सकते हैं। तो एम एम डैश आप फिगर में, ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, पी इज द पोल, एफ इज द फोकस पॉइंट, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाई आर विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ, दिस इज फोकल लेंथ, क्लियर, एंड एम एम डीज इज अपर्चर ऑफ द मिरर। तो इस तरह से ये हमारे मिरर के टू टाइप्स होते हैं जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ये बहुत टेक्निकल है, आपको रे डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस करना है, मैं आपको यहाँ टेक्निक बता देता हूँ, बाकी बिना प्रैक्टिस के आप इस पर कमांड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इमेज फॉर्मेशन लिख देता हूँ, रूल्स, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स हैं। तो इस फिगर्स में आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये मैंने कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले लिया, दोनों के लिए सेम होगा ये हमने एक मिरर बनाया। अब इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं, फर्स्ट रूल, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल विथ प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, ये फर्स्ट रूल आपको बता रहा हूं, यदि इंसिडेंट रे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है P, F एंड C, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासेस थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, क्लियर। यही चीज यदि क्या हो, कॉन्वेक्स में हो, यहां पर मैं आपको कॉन्वेक्स का भी इमेज बना के बताता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों तरह का आप इमेज बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे। यहां पर देखिए यदि रे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से आता हुआ लगेगा, देखो रिफ्लेक्ट तो यहां हो गया लेकिन ऐसा लगेगा कि कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। दोनों रूल को आप समझते जाइए, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगा, कॉन्वेक्स में जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आता हुआ लगेगा, प्रतीत होगा, क्लियर, महसूस होगा, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा, मतलब जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन रिफ्लेक्ट। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, क्योंकि जो रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर इंसिडेंट होता है वो परपेंडिकुलर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आने वाले जितने रेज होंगे परपेंडिकुलर होंगे, वाई, बिकॉज दिस इज रेडियस एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द मिरर, क्लियर।
इसलिए परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ किसी लाइट को इंसिडेंट करें ऐसा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के से होके ये इंसिडेंट हुआ और उधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सेंटर सेकंड रूल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ गया तो वहीं से क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया, ये सेकंड रूल है। एंड थर्ड रूल इज इफ पासेस थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। देखो फोकस से जो होके जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फर्स्ट और थर्ड क्या है, जस्ट अपोजिट है। कैसे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो फोकस से होके जाएगा, और जो फोकस से होके जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ थर्ड लिख दूं मैं, ये थर्ड मतलब एक ही है, जो फोकस होके जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मतलब यहाँ पर यदि किसी रे को हम फोकस की तरफ इंसिडेंट कर दें, ये सपोज फोकस की तरफ इंसिडेंट कर दें, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से। तो ये टू रूल्स आपको ध्यान रखना है, यदि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इमेज नहीं बना पाएंगे। तो इसमें से हम किसी टू को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इमेज बनाने के लिए मिनिमम टू रेस चाहिए, मैक्सिमम तो बहुत सारे चाहिए ना, इनफाइनाइट चाहिए। ये है इमेज फॉर्मेशन। अब इसके जो सिक्स पोजिशन होते हैं, कॉनकेव के सिक्स पोजिशन होते हैं, कॉनवेक्स का सिंगल या दो पोजिशन आप कर सकते हो, दोनों एक जैसा होता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये रूल्स के बाद मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ इमेज फॉर्मेशन का, उस चार्ट को लर्न करने के बाद आप उसको, मैं कुछ इमेज फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करा देता हूँ। बाकी देखो इस चैप्टर का खासियत यह है कि मेरे कितने भी पढ़ाने के बाद यदि आप घर में जाकर इमेज फॉर्मेशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखो साइन कन्वेंशन मतलब रूल्स, कन्वेंशन का मतलब होता है हिंदी में परिपाटी। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाते हैं तो डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए कुछ रूल्स बनाया गया, दैट इज साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन मैं आपको यहाँ इस फिगर में बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। फर्स्ट ये कि जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सपोज मैं इस डायरेक्शन में यदि मेजरमेंट करूं तो उसको हम क्या लेंगे, अपन पॉजिटिव लेंगे। मतलब यहाँ पर मैं आपको रेडिंग से यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, ध्यान देना, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे साइन विल बी टेकन पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के तरफ जो होगा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा उसको क्या लेंगे, अपन निगेटिव लेंगे। टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे साइन इज पॉजिटिव एंड अपोजिट ऑफ द इंसिडेंट रे इज निगेटिव। एंड नेक्स्ट रूल इज अपवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज निगेटिव। मतलब यदि किसी डिस्टेंस को हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजरमेंट करेंगे तो क्या लेंगे, हम उसको निगेटिव लेंगे, और टूवर्ड्स इंसिडेंट लेंगे तो पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम इंसिडेंट लेंगे तो निगेटिव। तो साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखना, अदरवाइज यदि आप साइन कन्वेंशन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको सभी आंसर प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाएगा, गलत आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, और इस चार्ट को टेक्निकली आपको प्रिपेयर करना है। ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको मैं सबसे पहले बता दूँ सीरियल नंबर, ऑब्जेक्ट, इमेज, इट्स नेचर, ये है सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ इमेज, नाउ नेक्स्ट इज इस साइज कितना बड़ा होगा, और नाउ नेक्स्ट इज इट्स नेचर, उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सीरियल नंबर फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को अलग कैटेगरी में ले जा रहा हूँ, क्यों मैं बाद में डिस्कस करूँगा, तो आप सिक्स को भी भूल जाइए, ये मैं लास्ट में लिखूँगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए ये चार्ट आपको लर्न हो गया तो पूरा चैप्टर आपको प्रिपेयर हो गया। हम पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं सपोज इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लाएँ, फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड फिफ्थ इज फोकस, एंड सिक्स्थ इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ये पोजिशन आप समझ लीजिए। अब देखिए पोजिशन ऑफ इमेज, तो पोजिशन ऑफ इमेज आपको लर्न करना है तो बढ़िया टेक्निक आपको बता रहा हूँ। ये जो आपने इन्फिनिटी से ऐसा लिखा है उसको नीचे से उल्टा लिख दीजिए आप, ये टेक्निक बता रहा हूँ याद करने का। तो क्या होगा, सबसे नीचे क्या है एफ, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एफ, इसके बाद क्या है बिटवीन सी एंड एफ, इसके बाद क्या है सी, फिर क्या है इन्फिनिटी एंड सी, और फिर क्या है इन्फिनिटी। क्योंकि इसका नेचर है जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज फोकस में बनेगा, और जब फोकस में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इन्फिनिटी में बनेगा। अब साइज के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका जो साइज होता है वो पॉइंट इमेज बनता है, इसके बाद स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन में क्या होता है पॉइंट से बड़ा हो जाता है लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, क्लियर। एंड थर्ड इज इक्वल साइज, इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है, फिर इसके बाद इसमें इनलार्ज होता है, लार्ज कह सकते हैं अपन, ये लार्ज और ये वेरी लार्ज, इनलार्ज लार्ज का ही मतलब है वेरी लार्ज। तो ये हो गया इसका साइज, और नेचर इसका क्या होता है सभी में ये क्या होता है रियल इमेज होता है, और रियल होने के कारण क्या होता है ये इन्वर्टेड होता है, तो सभी के सभी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। तो ये चार्ट आपको इस तरह से लॉजिकल आपको इसको प्रिपेयर करना है। नाउ सिक्स इज बिटवीन एफ एंड पी, और इसमें क्या बनता है जो इमेज है वो बिहाइंड मिरर, ये मिरर के दूसरी तरफ बनता है। बाकी जो फाइव पोजीशन है इसमें मिरर की तरफ ही इमेज बनता है, लेकिन इसमें बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनता है, और ये इमेज क्या होता है लार्ज होता है, और यहाँ पर जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है इसलिए क्या होता है वो इरेक्ट होता है। ये टेबल इस चैप्टर का जान है, यदि आपको ये टेबल प्रॉपर प्रिपेयर है तो आप इसके इमेज फटाफट बना सकते हैं। कुछ इमेज बना के मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज ये तो बहुत आसान है, फर्स्ट सेकंड का मैं बता दूँ, सपोज मैं सेकंड पोजीशन का बता रहा हूँ बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी कॉनकेव के लिए, तो बनाएंगे कैसे देखिए, हालांकि प्रैक्टिस का मैटर है आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये मैंने बना लिया एक मिरर इस तरह से, अब अपने ऑब्जेक्ट को मुझे रखना है कहाँ पर, इन्फिनिटी और सी के बीच में। अभी आप नाम मत लिखिए कहीं पर, ये आप बना लीजिए इस तरह से, ऑब्जेक्ट बना लिया मैं ए बी, अभी कुछ नाम मत लिखिए, मेरे टेक्निक को पकड़िए आप। देखिए टेबल आपको याद रहेगा तो पता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा और सी और एफ के बीच में बनेगा, क्लियर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो आप क्या कीजिए, एक रे इंसिडेंट कर दीजिए पैरेलल, ठीक है, और दूसरे रे को आप ले जाइए कहाँ से, ये फोकस होके जाएगा, क्योंकि जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा फोकस होके जाएगा। अब आपको पता है कि सी और एफ के बीच में बनेगा, ये एफ पॉइंट तो आपने डिक्लेयर कर दिया, अब सी यहाँ कहीं पर है तो आप क्या है उसको सी से लेके जाइए, ये सी है, और जो सी से होके जाता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है रिटर्न हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ए डैश बी डैश। अब देखिए सब चीज़ फैक्ट है, इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है आपका, सी के बाहर मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इमेज कहाँ बनना है सी और एफ के बीच में, देखिए इमेज बना है किसके बीच में, सी और एफ के बिटवीन बना है, फिर क्या होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है इमेज इतना बड़ा बना है, देखिए ये छोटा बना हुआ है, इसके बाद देखिए क्या बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है और रियल है, क्लियर। तो इस तरह से इमेज बनता है, ये एक आध दो प्रैक्टिस में आपको करा दूँ, बाकी बार बार मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि ये पूरे सिक्स पोजिशन की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करेंगे तभी आपको वो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं
ये मैंने बता दिया आपको सेकंड। अब मैं आपको सिक्स बताता हूँ, थोड़ा सिक्स कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, ये मैं सिक्स बताता हूँ। बाकी तो इस तरह से बनते जाएंगे, आप अपने बुक्स वगैरह के हेल्प से भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर, मैं पूरे सिक्स प्रैक्टिस यहाँ पर करा दूँ तो टाइम टेकन है और फिर वो मतलब कभी नहीं है, क्योंकि आपको खुद से करके देखना है। मैं टेक्निक सिखाते जा रहा हूँ बस आपको। ये सिक्स नंबर का पोजिशन ये है बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर माना जाता है इसका, क्योंकि इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे आप इसको। ये मिरर बनाया मैं, अब इसके बाद पी और एफ के बिटवीन, मतलब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये यहाँ पी है, इधर कहीं क्या है इसका एफ है। अब देखिए जो रे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे, वो कहाँ से फोकस से होके जाता हुआ लगेगा। तो यहाँ से आप इसको आप ये रिफ्लेक्ट कर दिए और आगे कर दीजिए इसको डॉटेड लाइन से। कैसे हुआ देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो गया और आगे हमने क्या किया, उसको आगे बढ़ा दिया। दूसरा रे हम ले सकते हैं, क्या है यहाँ पर देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो सेकंड रे को आप इस तरह से मैनेज करिए ऐसा। ये रे आपने इंसिडेंट किया, ठीक है, इसको थोड़ा और अपन से झुका के लेंगे, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा इसको। ये मैंने लिया, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस है, ही बार बार बता रहा हूँ मैं। ये अपने रे इंसिडेंट किया और चूंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में था तो उधर ही क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब दोनों रे को आप देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे हैं और दोनों पीछे फैलते जा रहे हैं, तो आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हम इसको आगे बढ़ा दिए इस तरह से। ये हमने इसको आगे बढ़ाया, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया यहाँ पर। अब वहाँ जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये हमने इमेज बना दिया, ये ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट है अपना ए बी। अब आप इसके सिचुएशन को देखिए, एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, एफ और पी के बिटवीन है, कहाँ बनना है उसको, बिहाइंड मिरर, मिरर के बिहाइंड बना है, पीछे बना हुआ है। एनलार्ज देखिए, इससे बड़ा बना हुआ है। वर्चुअल एंड इरेक्ट देखिए, सीधा है, इरेक्ट है मतलब सीधा है, तो क्या है वो, वर्चुअल है। तो सिक्स पोजिशन है, मैंने आपको ये दो पोजिशन बताए, बाकी तीसरी हैं, और आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के सिवाय आपके पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और एक कंडीशन है कॉन्वेक्स का, वो मैं यार आपको और बता दूँ, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन होने का, या दो कंडीशन कर सकते हैं, उसको एक ही मतलब है। उसका रीजन क्या है देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ये अब इसका फोकस भी अंदर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अंदर है। अब हम इन फ्रंट ऑफ, ये हमने रख दिया यहाँ पर एक ए बी ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट किया पैरेलल, वो फोकस से होके जाता हुआ लगेगा, तो यहाँ हमने रिफ्लेक्ट कर दिया और फोकस तक उसको आगे बढ़ा दिया। क्लियर, बहुत आसान है। सेकंड को हम इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को टारगेट करके आगे बढ़े सी, तो सेम डायरेक्शन में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन पीछे बढ़ाए तो दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए ये इमेज बना, ये तो ये बन गया ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर खासियत क्या होता है इसका, हमेशा एक खास बात ये होगा, पहला इसकी प्रॉपर्टी है कि हमेशा इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा हमेशा। सेकंड क्या है, बिहाइंड मिरर बनेगा हमेशा, मिरर के पीछे बनेगा, और हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर, ये है इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, तो यहाँ तक होता है इसके फिगर या डायग्राम बनाने का। ये आप नेचर याद कर लेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
ये हमारे जो व्हीकल अपन यूज़ करते हैं उसके साइड मिरर के लिए, पीछे का व्यू देखने के लिए जो मिरर अपन यूज़ करते हैं वो इसी तरह का है। आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन इमेज दे एपियर, ऐसा कुछ लिखा रहता है, आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बता दूं, दो फार्मूला आपको लर्न करना है, इसका डेरिवेशन आपको इस क्लास में नहीं है। फर्स्ट इज मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन क्या होता है, इसको आप याद करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स बनेगा, 1/f = 1/u + 1/v, ये मिरर इक्वेशन कहलाता है, वेयर एफ इज फोकल लेंथ, यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये फार्मूला आप लर्न करेंगे। एंड नेक्स्ट फार्मूला इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, ये कुछ फार्मूला का लिस्ट दे रहा हूँ मैं आपको, जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m इक्वल टू होता है i/o, दैट मीन्स लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u, और साइन कन्वेंशन बाद में यूज़ करेंगे, तो v/u ये होता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है, f इज ऑलवेज इक्वल टू r/2, मतलब किसी भी मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वह उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो ये थ्री फार्मूले आपको लास्ट में लर्न करना है, इस चैप्टर के डेरिवेशन आपको हायर क्लास में पढ़ना है, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल होगा। दिस इज न्यूमेरिकल मिरर इक्वेशन, 1/f = 1/u + 1/v, नेक्स्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड नेक्स्ट फार्मूला इज द फोकल लेंथ ऑफ एनी मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो ये मैंने आपको रिफ्लेक्शन को इस सेशन में, इस वीडियो में कंप्लीट किया, इसके आप प्रैक्टिस कीजिए। हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट प्रोवाइड कराया हूँ, वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं इसको, और इसको बार बार रिविजन कीजिए। ओके, थैंक यू।